के नंबर लिखे हुए थे, 1, 2, 3 and 4। तो जैसे आप आए, आपने पंच किया, आईडी फाउंड वन, ठीक है। आपने क्या क्या बोल रहा है, प्लीज वोट। अब ये यहाँ पे पार्टीज के नाम दिए हुए हैं, आपको किसे वोट करना है। मान के चलो मैंने किया विजय, ठीक है, थैंक यू बोला, वो वापस से होल्ड कर लेगा और फिर से बोलेगा कि दूसरा कार्ड पंच करो। अगर आपने मान के चलो अभी 3 वाला पंच करो, आईडी फाउंड 3, प्लीज़ वोट बोल रहा है, आपने फिर से किया कांग्रेस को। अभी अगर सेम आधार कार्ड लेके या फिर सेम RFID कार्ड लेके कोई आया, तो देखो ऑलरेडी वोटेड, ठीक है, मतलब आप वापस से वोट नहीं कर सकते। अभी आप क्या करेंगे, 2 नंबर का किसी को वोट करेगा, मान के चलो वो तो आप पे है, आपको इसको करना चाहते। मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं इसीलिए हर एक को दे रहा हूँ कि टेस्टिंग में सारे क्लियर हो जाए। ID 5, ठीक है, इस पर लिखा नहीं है, वो ID 5 है। अब इनमें से किसी को भी दे दूँगा, मान के चलो किसी, ठीक है। अभी अगर आपको रिजल्ट देखना है तो ये सेपरेट ID है, यूनिक आईडी है। आप इससे जाओगे, पंच करोगे, शोइंग रिजल्ट प्रेजेंट बीजेपी। हम लोगों ने क्या किया, पहले सबको दे दिया फिर से एक दिया था, तो वैसे ही आप जब टेस्टिंग करोगे तो आप किसी को भी जितना चाहिए उतने दे दो, ये पंच करो और फिर फाइनल टेस्टिंग हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, ये आपका आईडी ना नानो, इसे पावर सप्लाई किससे दिया हम लोगों ने, USB से। यहाँ पर आपके आपके फ़ोन का चार्जर या लैपटॉप से सप्लाई आप किसी से भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कनेक्टेड है ये आपका RFID कार्ड रीडर, इसे बोलते हैं RFID रीडर, इस पर नाम भी लिखा हुआ है RC 522, ये रीडर का टाइप है, ठीक है। RFID रीडर से क्या होगा, डेटा रीड करके वो आर्डिनो नैनो को देगा। आर्डिनो नैनो जैसे ही कोई नया डेटा आता तो पहले बजर बजाएगा कि हाँ डेटा डिटेक्ट हो गया। ये जैसे ही बजर बजा उसके बाद क्या करता है कि वो उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है उससे कंपेयर करेगा कि ये जो कार्ड आया वो किस पर्सन का है, उसका आईडी क्या था, 1, 2, 3, 4 जितना भी हम लोगों ने रखा हुआ है। अब वो हो गया, उसके बाद बोलेगा कि आपको प्लीज़ वेट। तो क्या जब तक के वेट करेगा जब तक कि आप इनमें से कोई भी की प्रेस नहीं कर लेते। आप जब भी कोई की प्रेस करोगे तो उसको एक वोट आपका चले जाएगा, मतलब क्या होगा उसके नाम पे एक वोट असाइन हो जाएगा। आपको फिर से बोलेगा कि नया कार्ड पंच करो, आप फिर वही प्रोसीजर करोगे, फिर कार्ड पंच करोगे, फिर वेट करोगे, वो बोलेगा वोट करो, आपने वोट किया, फिर ले लेगा, फिर रुक जाएगा। तो ये कब तक के शुरू रहेगा, जब तक के एक दो सारे वोटर्स ख़त्म नहीं हो जाते, या फिर आप तब तक के ये नहीं लगाते, ये लगाओगे आप विनर चेक करने के लिए। ये यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब इससे वो वोट नहीं करेगा, ये बस आइडेंटिफाई करेगा इससे कि अभी विनर चेक कर। हर कोई नहीं कर सकता ना विनर, तो कोई एक अथॉरिटी रहेगी वो चेक करेगा, वो पंच करेगा और फिर विनर शो हो जाएगा। अब ये केस में वो फाइनलाइज हो गया, अभी कंट्रोलर रुका हुआ, आपने कुछ भी किया कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका काम ही वही है ना, वोटिंग लो, विनर दिखाओ, ख़त्म करो। अभी जब तक ये रिस्टार्ट नहीं होता तब तक ये आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। आप क्या करोगे, इसे पावर डाउन करोगे, फिर से पावर अप करोगे, शुरू हो जाएगा। अभी आप टेस्ट करो, धीरे धीरे धीरे, वो जब बोले तब तो करो करो। हुआ नहीं, आप वहाँ पे जब लिख के आएगा कि वेव योर कार्ड, तब तो RFID कार्ड स्कैन करो ना। आप अगर पहले करोगे ना तो वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं। प्लीज वोट लिख के आया, अब वोट करो। RFID कार्ड लिख के आने दो, उसके बाद करो करो आपने शायद उनसे को दो दिया। तो ये कितने वोट किसको गए वो भी दिखा रहा है, 0, 1, 2, 2। इसका वर्किंग बता दो सर,
देखो क्या होगा, RFID रीडर जो है आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। यूनिक आइडेंटिटी देगा मतलब क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। वो नंबर हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो 1 से असाइन हुआ है, 2 से असाइन हुआ है, 3 से, 4 से या 5 से, जिससे भी असाइन हुआ है उसका एक आईडी लेंगे। वो आईडी के बाद आपने क्या किया ना कि हर एक पार्टी के नाम का एक वेरिएबल असाइन कर दिया, और वो वेरिएबल में आपने जैसे जैसे वोट किया तो ऐड ऑन होते जाएगा, 1, 2, एक एक से इंक्रीमेंट होता है। तो आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, जिसका भी मैक्सिमम हो उसको विनर दिखाते हैं। और ये सबके प्रोजेक्ट में हो सकता है कि LCD छोटा हो, आपके प्रोजेक्ट में हमें हमने सर्किट में भी देखा होगा बड़ा LCD दिखाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें शो करने के लिए हमें बड़ा LCD लगता। ये LCD है 20x4, जिसमें 20 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं और ऐसी 4 लाइन्स हैं। अभी आपका बजट सर, वो फिंगरप्रिंट सर जो 2-स्टेप वेरीफिकेशन होता है वो भी से एक्सप्लेन करेंगे तो भी पूछेंगे। कौन सा 2-स्टेप वेरीफिकेशन? जो आधार कार्ड बेस्ड वोटिंग मशीन का उसको जैसे सर क्वेश्चन किए हमारे। अच्छा, और वो भी से एक्सप्लेन करेंगे। देखो 2-स्टेप वेरीफिकेशन भी क्या होगा ना कि पहले तो आपको GSM के थ्रू मैसेज सेंड करना पड़ता है, मतलब जैसे OTP आता। हाँ। तो अभी तो आधार कार्ड पंच किया आपने। हाँ। आपको OTP आया, फिर आपने OTP डाला और फिर ही वोट किया। अच्छा। ये हो गया 2-स्टेप। तो 2-स्टेप वेरीफिकेशन का प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बड़ा होगा। इनफैक्ट वो इंजीनियरिंग में इस साल शायद NIT में ये वाला पॉइंट है ना सर। कौन सा सर? इसमें सर जो RFID कार्ड है वो 2-स्टेप वेरीफाइड रहेगा सर? नहीं, RFID कार्ड 1-स्टेप वेरीफिकेशन नहीं होता ना, वो 2-स्टेप वेरीफाइड कहाँ होता? मतलब अगर आधार कार्ड में आपका इसी पे प्रिंट करके दे दूँ तो यही मेरा आधार कार्ड बन जाएगा। तो आप इसे ही यूज़ कर सकते हो वोटिंग के लिए। आपको वो QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली आपका कार्ड पंच करोगे और वोट करोगे। अब हो सकता है कि कोई बोले कि वो तो वोटिंग कोई भी आके कर देगा, उसके लिए फिर लगता है 2-स्टेप वेरीफिकेशन। तो फिर हमें GSM के थ्रू मैसेज सेंड करो, फिर आपको OTP आएगा, वो डालो और फिर वोट करो। ठीक है सर।